अरे भैया किंग कोहली, ये तूने कैसा कारनामा कर दिखाया भैया, जिसकी उम्मीद भी ना थी। अरे ये तो कतई बवाल ही मचा दिया भैया, बांग्लादेश वालों का कतई धुआं धुआं कर दिया। अबे भैया ऊपर से शतक लगा दिया जिसकी उम्मीद भी ना थी, ऊपर शतक भी लगा दिया और मैच भी जीता दिया। अरे भैया कोहली तुम्हारा दिमाग तो भैया अलग ही चलता है, कतई तुम तो सच में किंग कोहली हो। ये तो चेज करते हुए भैया तुम्हारा अलग ही लेवल होता है खेल का, और ये तो चेज करते हुए वर्ल्ड कप का पहला शतक भी जड़ दिया। अरे भैया कमाल ही कर दिया भाई, बवाल कर दिया। अरे कोहली भैया से सल्यूट है तुमको। अरे यार शर्मा जी क्या बताएं भैया, मेरा शतक तो खैर होने ही वाला था, वो केएल राहुल भैया क्या खा के आ गया पता ना, वो भी भैया बराबर अपने औसत से रन बना रहा था। हमने सोचा भैया ऐसा काम ना चलेगा, ये तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिंगल विंगल ना लिया, ना मैंने मैच जिताने का सोचा। मैंने कि मैच तो हम जीते ही पड़े हैं, इससे अच्छा है भाई शतक पूरा कर लो अपना, और भैया हमने शतक कर दिया काम। अरे तो बांग्लादेश के भैया गेंदबाजों ने वाइड फाइड फेंकी, वो तो एम्पायर ने वाइड ना दी, ये पता ना अपने आपको क्या समझ रहे थे क्या भैया साकिब उल हसन। अब मजा आया कि नहीं आया? अबे तुम तो खैर खेले वेले नहीं हो आज, लेकिन तुम्हारे झंडू गेंदबाजों को समझा दो ऐसा कभी ना करना चाहिए। लेकिन हम किंग कोहली भैया, हम फिर भी शतक बना दिए तुम्हारे खिलाफ। अरे भाई चेज मास्टर किंग कोहली, अरे भाई तूने तो दिल फेफड़ा गुर्दा सभी जीत लिया और मैच तो के जीत लिया। भाई भैया क्या खेल खेला है, कतई बवाल ही मचा दिया भैया सच में ही। अरे भैया हमारी पारी वारियां तो सब पीछे रह गई, हमने 53 रन बनाए, शर्मा जी ने 48 बनाए, लेकिन तुमने भैया एन मौके पर ऐसे शतक जड़ दिया, 6 चौके और 4 छक्के भैया, 97 गेंदों पर 103 रन। अरे मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा शतक वतक नहीं होगा, क्योंकि भैया लोकेश राहुल भी कहते एकदम ऐसा लग रहा था कि मूड बना के आया है, लेकिन भैया तूने उसका मूड वूड सब एक तरफ रख दिया और भाई मैच को अपने हिसाब से लेकर के चले भैया, और शतक भी जड़ दिया, मैच भी जीत लिया। अरे भाई किंग कोहली माना कि यार तुम चेज मास्टर हो, लेकिन भैया ये कोई तरीका थोड़ी मैच जीतने का। भाई भैया ये बेइज्जती कर करके जो तुम हमारे गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो भाई, वाइड तो मैं फेंकेंगे ही मजबूरी में। अब तुम शतक के चक्कर में ना सिंगल ले रहे हो ना डबल ले रहे हो, और भाई ऊपर से छक्के चौके के भैया चक्कर में हो, हमारे गेंदबाज तो वाइड इसलिए फेंक रहे थे। अरे किंग कोहली यार तरीका यार बेइज्जती कर रहे हो तुम हमारे गेंदबाजों की। अरे भैया तुमको शतक बनाना था तो पहले ही मूड में होते, लेकिन भैया बीच में शतक का मूड बनाया और शतक भी बना दिया। अरे ये तो हमारी बेइज्जती होगी हार से ज्यादा, तो इस शतक से हमारी बेइज्जती होगी ज्यादा। हमें साकिब और हसन यार तुम कैसी लुल्ल बातें कर रहे हो। भाई भैया जब हम ऐसे कारनामा करेंगे तो हम काई के किंग। भाई भैया इसीलिए तो किंग है कि हम ऐसे कारनामा कर देते हैं। अब देखो हमारा मन किया बीच में शतक मारने का, तो हमने शतक मार दिया, मैच तो खैर हमने जीत लिया है। तुम लोगों ने 256 बनाए तो हमने 261 आसानी से बना लिए भाई 41 ओवर में। हमारे गेंदबाजों ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है, कोई टेंशन नहीं है भैया। अब ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हमारा खेल चल रहा है, वर्ल्ड कप तो भाई किसी का बाप भी नहीं हमसे छीन सकता, वर्ल्ड कप तो अपना ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। बस टेंशन एक ही है भैया, शार्दुल ठाकुर ये क्या है भैया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार किंग कोहली भैया तुम अपना खेल ऐसे खेलते रहो, शार्दुल ठाकुर तो भाई तुम्हारे क्या पूरे देश के समझ में नहीं आएगा ये क्यों है किस लिए। अरे ये तो उस दिन समझ में आएगा जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी, इसलिए वहाँ ज्यादा दिमाग ना लगाओ भैया, तुम बस अपना खेल खेलते रहो, ऐसे शतक शतक ठोकते रहो, शार्दुल ठाकुर को मैं खुद देख लूंगा।